हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और इस बार भी मैं एक और व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर टैग मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसे आईएमडीबी पर 6.1 की रेटिंग है। मूवी देखने के बाद मुझे समझा कि आखिर क्यों सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करके रख देगी कि ये एक साईफाई मूवी थी या हॉरर। वहीं ये मूवी बताना क्या चाहती थी। ऊपर से मूवी के एंडिंग से आपको ऐसा लगेगा कि शायद से डायरेक्टर को नींद आ गई इसलिए आगे की कहानी डालना ही भूल गया, पर रियलिटी में हर सीन के पीछे काफी पावरफुल मैसेज छिपा है जो मैं आपको हमेशा की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वहीं मैं आपको वार्न कर दूं कि मूवी एक्सट्रीमली वायोलेंट और खून से भरी है, सो फैमिली मेंबर्स के साथ तो ना ही देखें। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत होती है एकदम डरावनी या एक तरह से सैड म्यूजिक से, पर फिर वो एक जॉयफुल म्यूजिक में बदल जाती है जहां कुछ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल अपने स्कूल ट्रिप के लिए एक्साइटेड पिलो फाइट खेल रहे होते हैं, पर उन सब के बीच शांत मित्सुको को पोयम लिखने में समय बिताना पसंद आता है जो दूसरों को अजीब लगता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके साथ छोड़कर अपने में ही गुम है, इसीलिए उसकी रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। पर सभी अपने ट्रिप के लिए एक्साइटेड, उन्हें क्या खबर कि आज उनके साथ कुछ अजीब घटने वाला है, क्योंकि जब मित्सुको को अपना गिरा हुआ पेन उठाने पड़ती है एक डेडली विंड उनके सामने की बस को काट कर रख देती है। इससे पहले कि वो लोग रिएक्ट करे वो भी उस डेडली विंड के फोर्स का शिकार बन जाते हैं, पर लकीली मित्सुको को सर्वाइव कर जाती है। वो एकदम शॉक में, जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, पर उसके पास इसे समझने का समय नहीं होता क्योंकि वही डेडली विंड इर्द गिर्द के पोल्स को काटते हुए उसके सामने बढ़ रही होती है। वो भागते भागते अपने दोस्तों को वार्न करने की कोशिश करती है, पर अंत में उनका भी वही हशर होता है। किसी तरह बचकर वो घने जंगल जा पहुंचती है, पर वहाँ भी डेडली विंड ने अपना कहर ढाया होता है। मित्सुको खुद को क्लीन करने के बाद डरी और सेमी मदद की तलाश में चलते चली जाती है, पर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। पर इवेंचुअली आउट ऑफ नोवेयर उसे उसका स्कूल नजर आता है, और भी अजीब कि उसकी बचपन की दोस्त आखी भी वहाँ पढ़ती है जबकि दोनों का स्कूल बिल्कुल भी अलग है। वो आखी को डेडली विंड के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है, पर अब वो विंड अनजान कारण से बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। आखी उसे किसी तरह काम करने की कोशिश करती है कि शायद उसे अमनीजिया का अटैक हो गया हो या उसने कोई बुरा सपना देखा हो, जिस पर मित्सुको को धीरे धीरे यकीन होने लगता है। अब वो और आकी के क्लोजनेस से हमें पता चलता है कि दोनों भी लेस्बियंस हैं और एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, पर क्योंकि जापान के कल्चर में ये अब भी एक टैबू सा माना जाता है उनके क्लासमेट्स उन्हें चिढ़ाने से पीछे नहीं हटते, पर आकी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना रिलेशन बिंदास एक्सेप्ट करती है। सिर्फ टाइको और सूरी उनके जिगरी दोस्त उनके रिलेशन को समझते हैं, पर तभी टाइको मित्सुको के चाल ढाल से समझ जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आकी जवाब देती है कि वो अब बिल्कुल भी ठीक है और पहेली में शेयर करती है कि शी हैज रीबॉर्न, जिस पर टाइको एक्सप्रेस करती है कि काश वो भी कभी रीबॉर्न हो सकती। मित्सुको अब भी टेंस इसलिए सभी क्लास बंक करने का डिसाइड करते हैं और सभी क्लास से ऐसे जुबिलेंट भागते हैं जैसे उन्हें कोई आजादी मिल गई हो। उनकी खुशी देखने लायक होती है और मूवी का म्यूजिक मूड भी एकदम बदल जाता है, मानो इट्स हैप्पी एंडिंग एवरीवेयर। पर जैसा कि हमने खुद अपने जिंदगी में एक बार तो अनुभव किया है कि खुशी कभी भी ज्यादा देर तक नहीं बनी रहती, और ये ही कुछ उनके साथ भी होने वाला है। किसी लेक के यहाँ पहुँचने पर आकी बाकी दोनों से मित्सुको का ड्रीम शेयर करती है, पर सुर रिप्लाई करती है कि हो सकता है जो उसने देखा वो सच में हुआ हो, क्योंकि उसके हिसाब से मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ उनके ही मिरर वर्जन दूसरे यूनिवर्स में जी रहे हैं। वहीं उनका भविष्य ऑलरेडी डिजाइन कर दिया गया है जिसे तभी बदला जा सकता है जब वो ऐसा कुछ करे जो बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस या प्रेडिक्टेबल ना हो। उदाहरण के तौर पर वो सभी को लेक की तरफ देखने को कहती है और तभी एक जायंट क्रोकोडाइल टाइको पर हमला करता है, पर बाद में हमें पता चलता है कि वो सिर्फ सुर का एक इमेजिनेशन था, ये समझाने के लिए कि आपका अनएक्सपेक्टेड एक्शन आपके फेट को डिसाइड करता है। जैसे इस केस में टाइको को मरना नहीं था जब तक सुर ने अनएक्सपेक्टेडली इमेजिन नहीं किया, पर हमें एज एन ऑडियंस के लिए और भी हैरानी तब होती है जब आउट ऑफ नोवेयर जंगल के बीच ब्लैंकेट विद पिलो दिखाई देता है, पर सभी अपने खुशी पल में इतने बिजी उस पिलो के साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते मित्सुको को अपने उंगली पर खून दिखाई देता है, पर अंत में वो भी एक इमेजिनेशन निकलता है। सुर उन्हें फिर से एक फेदर के उदाहरण से समझाती है कि जब तक ये फेदर जमीन तक पहुंचेगा उसे कभी और कहां गिरना है ये पहले से तय हो गया है। अब सभी स्कूल लौटते हैं, पर मित्सुको को फिर से अजीब कारण से एक पिलो दिखाई देता है
जैसे ही वो उसे मस्ती के इरादे से आकी की तरफ फेंकती है, टीचर निर्दय तरीके से आकी और सभी पर गोलियां बरसाने लगती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्लास बंक किया था। पर सिर्फ वो ही नहीं, दूसरे टीचर भी किसी कारण से स्टूडेंट्स की जान लेने लगती है। ताइको हिम्मत दिखाते हुए टीचर से लड़ने की कोशिश करती है, पर टीचर उसे भी बहरहमी से खत्म कर देती है। सूर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती है, पर अंत में वो भी मारी जाती है। पर मरने से पहले वो उसे सलाह दे जाती है कि लाइफ असत्य से भरी है, कुछ भी करके उसे हारना नहीं है। मित्सुको बचते बचाते भाग पड़ती है। वहीं टीचर स्टूडेंट्स का ऐसे शिकार करती है मानो वो पबजी खेल रहे हो। भागते दौरान उसकी क्लासमेट जोर देती है कि उसे याद करना होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यही एक चारा है इसे रोकने का। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच सके, वो ही डेडली विंड उसके क्लासमेट्स को दो भाग में बांट देती है और अब वो मित्सुको के पीछे लग जाता है। वो डर के मारे भागते चली जाती है और उसे कोई भी मदद करने के लिए मौजूद नहीं होता। पर लकीली वो किसी क्राउडेड टाउन पहुंचती है और ऑफिसर से मदद की भीख मांगती है। पर फिर से उसके साथ वही अजीब घटना घटती है, क्योंकि वो डेडली विंड फिर से नॉर्मल हो जाता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि ऑफिसर उसे काइको नाम से पहचानती है, और जैसे ही मित्सुको अपना चेहरा आईने में देखती है, उसका लुक बिल्कुल भी बदल जाता है। वो मानो अब 25 साल की नजर आने लगती है। ऑफिसर के हिसाब से वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं और आज उसकी शादी है। उसे लगता है कि काइको कोई प्रैंक खेल रही है अनजान बिहेव करने का, इसीलिए उसे अपने साथ चैपल के लिए निकल पड़ती है। मित्सुको अब और भी उलझन में, रास्ते में और चैपल पहुंचने पर सभी उसकी शादी के लिए ओवर एक्साइटेड दिखाई देते हैं, मानो पूरे टाउन को ही पता हो कि उसकी शादी होने वाली है। पर ड्रेसिंग रूम में चमत्कार कारण से आकी को देखने के बाद उसे राहत महसूस होती है। वो उससे सवाल करती कि आखिर सब हो क्या रहा है। आकी उसे समझाती कि वो और काइको सेम ही पर्सन है, पर आगे की लंबी कहानी वो उसे अभी नहीं बता सकती क्योंकि वो लोग उन्हें देख सकते हैं। पर आखिर कौन है ये लोग, ये हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अभी के लिए उसे वो करना है जैसा वो उसे कहे, इसलिए उसे शादी की रस्म के लिए तैयार करती है। और अब आकी सभी लड़कियों को एक एक करके ऐसे खत्म करती है मानो वो एक कठपुतली हो। मित्सुको भी अब डिटरमिन्ड नोकीले कांच के साथ चैपल की तरफ बढ़ती है। सभी उसका तालियों और फूलों से स्वागत करते हैं, पर जैसा कि उसके साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं घट रहा, जो लोग उसका कुछ देर पहले स्वागत कर रहे थे अब उसका इंसल्ट करते हुए खुद के कपड़े उतारने लगते हैं। सबसे भयानक कि अल्टर पर कोई दूल्हा नहीं बल्कि कॉफिन से इंसान के शरीर में एक बदसूरत सुअर निकलता है। सभी उससे शादी की रस्म खत्म करने के लिए किस करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, पर अब मित्सुको के गुस्से का बांध फूट पड़ता है और वो सबसे पहले तो बेरहमी से सुअर का गला काट देती है और फिर दूसरों को भी अपने गुस्से का शिकार बनाती है। पर उनके सर पर अब भी खतरा मंडरा रहा होता है और तभी स्कूल में मैसेकर फैलाने वाली वही टीचर्स उनका शिकार करने आती है। पर दोनों उन्हें किसी तरह सबक सिखा के भाग निकलती है, पर कोई अब भी उनके पीछे लगा रहता है, इसलिए आखी अपनी जान की परवाह ना करते हुए मित्सुको को भागने पर मजबूर कर देती है ताकि वो खतरे को डिस्ट्रैक्ट कर सके। मित्सुको फिर से भागते चली जाती है जब तक उसके पैर ना थके। पर फिर से उसके साथ वही अजीब घटना घटती है, मानो अब वो किसी और यूनिवर्स में उसे कुछ लोग आइजुमी नाम से पुकारते हैं और फिर से उसका अटायर इस बार एक रनर आउटफिट में बदल जाता है जो मैराथन के लिए दौड़ रही होती है। दौड़ के दौरान क्राउड्स और उसके करीबी दोस्त की इमेजिनेशन भी उसे चेयर करते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि कैसे वो बचपन से एक टैलेंटेड रनर थी और आज उसे कुछ भी करके अपना लक्ष्य हासिल करना है। पर जाहिर तौर पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं बनी रहती क्योंकि वही टीचर्स और वो पिग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इमेजिनेटिव टाइको उसे फिर से बताती कि उसे इस वर्ल्ड से निकलना होगा जो सिर्फ उसके ही कंट्रोल में है। लकीली आकी आ जाती है और उसे तुरंत दूसरे डायरेक्शन में भागने को कहती है, पर रेस के एंड में वो फिर से किसी सुनसान जगह जा पहुंचती है जहां कुछ ज़ॉम्बीफाइड लड़कियां उसका रास्ता रोके रहती है और उसमें से एक उसकी जान लेने बढ़ती है क्योंकि उसके अनुसार जब तक वो जिंदा है उन्हें यहां बार बार मरना पड़ रहा है। वो उसे बार बार कुछ याद करने को कहती है, पर इससे पहले कि वो उसकी जान ले सके आकी फिर से उसे बचा लेती है और उसे बार बार पूरे आत्मविश्वास से अपना नाम मित्सुको लेने को कहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो इवेंचुअली ऐसा करती है वो पहले के मित्सुको के कैरेक्टर में बदल जाती है और अब आकी मूवी का क्लाइमेक्स रिवील करती है। वो रिवील करती है कि वो सभी एक फिक्शनल वर्ल्ड में है, किसी ने उन्हें यहाँ कैद कर दिया है और इस वर्ल्ड का लीडिंग कैरेक्टर वो खुद है और उसके ही पास वो पावर है इस वर्ल्ड को खत्म करने का, वरना ये पूरा खेल और डेथ रिपीट होता रहेगा।
यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, उसके हाथ में लगे केबल्स को उखाड़ कर। मित्सुको एकदम घबराई, उससे कुछ समझ नहीं आता, पर आकी के बहुत फोर्स करने पर वो उसके हाथ के केबल्स उखाड़ने लगती है। आकी एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन में, वो पूरा मंजर बेहद दर्दनाक होता है क्योंकि वो केबल्स उसके शरीर को फाड़ते हुए उसका शरीर दो भाग में बट जाता है। और तभी मित्सुको को तेज रोशनी में एक दरवाजा दिखाई देता है। वो केबल का पीछा करते हुए किसी अजीब वर्ल्ड जा पहुंचती है जहां सिर्फ मेंस अंडरवेयर में दिखाई देते हैं, और वहां उसे किसी वीडियो गेम का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है जिस पर उसके सारे कैरेक्टर्स का चेहरा छपा होता है। तभी कोई अनजान उसे पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो फ्यूचर में है, और उसे बेहोश करके कहीं ले जाता है। मित्सुको अब खुद को किसी ऐसी जगह पाती है जहां वही कैरेक्टर्स डिस्प्ले में दिखाई देते हैं जिनके साथ अब तक उसका सामना हुआ था। पर सबसे बड़ा क्लाइमेक्स की गुफा के आखिर में उसे कोई ओल्ड मैन दिखाई देता है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है, क्योंकि वो वीडियो गेम मित्सुको का वही इंसिडेंट होता है जो उसके साथ कुछ देर पहले घटा था। यानी कि अब तक जो भी उसके साथ हुआ, यही ओल्ड मैन एक वीडियो गेम की तरह उसे कंट्रोल कर रहा था। हैरानी की बात यह कि ओल्ड मैन उसका पिछले 150 साल से इंतजार कर रहा था और रिवील करता है कि ये गेम डिजाइन करने वाला वो ही है। मित्सुको की मौत के बाद उसने उसके और उसके दोस्तों के डीएनए की मदद से ये रियल लाइफ गेम बनाया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और तभी ओल्ड मैन का यंगर वर्जन प्रकट होता है और बैट की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि यही उसका डेस्टिनी है। मित्सुको पूरी शॉक्ड उसके बगल में पड़ जाती है, पर तभी उसे सुर की बातें याद आती है कि वो अपना भविष्य तभी बदल सकती है जब वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करे। उसे अपना वही पल दिखाई देता है जब उसे अपनी उंगलियों पर खून दिखाई दिया था, पर इस बार उन उड़ते फेदर में से एक उसी खून पर पड़ जाता है, और देखते ही देखते लाल रंग के फेदर्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिससे अब उसे कुछ रियलाइज होता है और वो अपना सारा गुस्सा उस पीलो और उस बंदे को सफोकेट करके मार देती है। वो चीखती रहती है कि वो लोग टॉयज नहीं है, स्टॉप प्लेइंग विद अस। अंत में एकदम तंग आकर मित्सुको ओल्ड मैन के स्टिक से खुद को खत्म कर देती है, जो उसके साथ पीछे घटे घटना को भी रिफ्लेक्ट करने लगती है। मूवी के अंत में मित्सुको एम्प्टी फील्ड ऑफ स्नो पर भागते नजर आती है और वो मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि शुरुआत में मैंने क्यों कहा था कि मूवी खत्म हो जाएगी, पर कुछ समझ नहीं आएगा। दरअसल मूवी का पूरा ध्यान जापान के वुमेन के होमोसेक्सुअलिटी और उनके यूरी होने के संघर्ष को दर्शाता है, जहां उन्हें 21st सेंचुरी में भी अपने बेसिक राइट्स और फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए अगर आप नोट करोगे तो पूरे मूवी में सिर्फ लड़कियां ही दिखाई है, और जब वो रियलिटी से निकलती है तब सिर्फ लड़के दिखाए हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। जापान में दूसरों से बिल्कुल अलग होना एक टैबू माना जाता है। यही कारण है जब बस जर्नी के दौरान सभी फन में बिजी थे, वो एक लौती थी जो अपने पोयम में गुम थी, जो सभी के लिए एक एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है, और सोसाइटी के सो कॉल्ड डिफाइंड कल्चर में फिट नहीं होता, इसीलिए उसकी रैगिंग करने लगते हैं। डेडली विंड के कारण सभी का मरना ये दर्शाता है कि सोसाइटी के कारण आखिर में सभी लड़कियों का क्या हशर होता है। वहीं उसका अंत में बच जाना ये दिखाता है कि अगर आप सोसाइटी के नियम से बच भी गए तो भी आखिर में आप ही अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि कोई भी आपके साथ लड़ने को जिंदा नहीं रहेगा। और मित्सुको के केस में लेस्बियन होने के नाते कोई बचेगा नहीं जिसके साथ वो रिश्ता बना सकेगी। आकी और उसके दोस्तों की कहानी दर्शाती है कि वही एक थे जो उसके साथ थे। जब ताइको विश करती कि काश वो भी रीबॉर्न हो सकती, उसका मतलब इस तरफ होता है कि काश वो भी समाज की परवाह ना किए अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती। उनका स्कूल के नियम के अगेंस्ट बंक करके जोश और एक्साइटमेंट में भागना इसी बात को दर्शाता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही उन्होंने अपने फ्रीडम के अनुसार कुछ किया। सुरभी मित्सुको को यही समझाने की कोशिश करती है कि एक छोटी सी लहर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इस तरफ इशारा करते हुए कि आज अगर वो सोसाइटी के अंधविश्वास कल्चर के अगेंस्ट लड़ेगी तो बाकियों को उससे इंस्पिरेशन मिलेगा। वो क्रोकोडाइल इमेजिनेशन सीन जो स्पेसिफिकली ताइको के प्राइवेट पार्ट पर अटैक करता है, वो क्रोकोडाइल दरअसल मेंस को दर्शाता है जो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़कियों के पीछे रहते हैं। आकी की अंत तक लड़ाई दरअसल उसके सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ने के संघर्ष को दर्शाता है। उसकी डेथ के पीछे भी एक पावरफुल मैसेज था कि मित्सुको को अपने फीलिंग्स का गला घोटना पड़ा ताकि वो सोसाइटी के नियम के अनुसार चल सके। वो चैपल पर सारी लड़कियां इसलिए अचानक से उसका इंसल्ट और अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उनके अनुसार उस अजीब को लड़कियां पसंद है, और वो चाहे कुछ भी कर ले सोसाइटी उसे ऐसा करने नहीं देगी। अल्टर पर कॉफिन मित्सुको के उस फीलिंग को दर्शाता है जहां उसके अपने मर्जी के
अगेंस्ट किसी और से शादी करना पड़ रहा है जो उसके लिए मरने के बराबर है। और दूल्हा एक सुअर निकलना उसके गुस्से को दिखाए कि वो कितना बैडली किसी भी मेल से शादी नहीं करना चाहती। आखिर में ओल्ड मैन का वीडियो गेम खेल द्वारा मित्सुको को कंट्रोल करना और उसके यंगर वर्जन के साथ सोने पर मजबूर करना यही दिखाता है कि कैसे मेंस वुमेन्स को अपने उंगलियों पर नचाने की कोशिश करते हैं, कैसे आज के सोसाइटी में भी मेंस के पास पूरी पावर है। पर आखिर में सुर की बातें याद करने पर उसे रियलाइज होता है कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए दर्शाने के लिए कि वो नो लॉन्गर उनके कंट्रोल में है, वो जान देकर उनके कंट्रोल से फ्री हो जाती है और अब अपने न्यू लाइफ को संवारने के लिए निकल पड़ती है। हर कहानी के दौरान जो लोग उसे कुछ याद करने को कह रहे थे कि आखिर ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है, वो इसलिए था ताकि उसके याद आने पर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे और ये गेम एंड हो। मूवी में जानबूझकर वायोलेंट और ब्रूटल सीन्स दिखाया है ताकि सोसाइटी की क्रुएलिटी और उनके सफरिंग को दर्शाया जा सके। मूवी में फेदर बार बार इसलिए दिखाया है क्योंकि जैसे सुर समझाती कि फेदर का कब और कहां गिरना पहले से तय है, पर सबसे अलग और अनप्रेडिक्टेबल करने पर ही वो चाहे तो रियलिटी को बदल सकते हैं, जो ठीक मित्सुको ने किया। लेक के मोमेंट के दौरान उसे अपने उंगलियों पर खून और घने जंगल के बीच वो पिलो दिखना, दरअसल वो सुर के सलाह पर अपने दिमाग में अनप्रेडिक्टेबल सोचना शुरू करती है ताकि वो अपनी रियलिटी या ऑलरेडी डिसाइडेड फ्यूचर को बदल सके, जिसका असर उसे दिखाई देने लगता है जो ठीक एग्जैक्टली उसके साथ फ्यूचर में होता है। मूवी में मित्सुको का हर कैरेक्टर दरअसल उसके लाइफ के स्ट्रगल का ड्रामेटाइजेशन था और रियलिटी में शायद वो कब की गुजर गई है। मित्सुको एक हाई स्कूल गर्ल जिसे कोई लड़की पसंद आती थी। काएको उसका वो समय था जब उसे प्रेशर के कारण शादी करनी पड़ी। इजुमी उसका वो पल था जब वो काफी टैलेंटेड थी, पर अंत में उसे मेल के प्रेशर में अपने पैशन को गिव अप करना पड़ा। आई होप मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड मूवी के सारे कंफ्यूजन क्लियर किए। पर अगर अब भी आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज गो अहेड एंड कमेंट में जरूर मेंशन करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी मेहनत की वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।